नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित। विपक्ष ने वक्फ बिल 2024 के खिलाफ किया विरोध। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष का मुद्दा किया खारिज। बिहार में पक्ष चुनाव का दूसरा चरण, 753 पैक्सों के लिए हो रही है वोटिंग। पहले चरण में 62% हुआ था मतदान। बिहार सरकार ने 15,000 एकड़ जमीन कब्जे में ली। बेतिया राज की संपत्ति से हटेगा अवैध कब्जा। के पाठक के देखरेख में कब्जा हटाने की तैयारी। बिहार में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए बने नियम, 20 साल पुराने लिफ्ट को बदलना अब होगा अनिवार्य। उल्लंघन पर जुर्माना 50,000 तक और सजा भी। और शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से हो सकते हैं बाहर। गिल को डॉक्टर ने आराम करने की दी सलाह। जाने अगर गिल नहीं खेलते तो आखिर कौन करेगा बल्लेबाजी। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने कारोबारियों को 3 वर्षों तक जीएसटी के ब्याज और जुर्माने में छूट देने का निर्णय लिया है। ये राहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस प्राप्त कारोबारियों को मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा में पेश किया। कारोबारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी देय जीएसटी राशि का भुगतान करके जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत कारोबारियों को विलंब शुल्क की भी छूट मिलेगी, जो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच के कर अवधि पर लागू होगी। राज्य में पैक्स चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। आज 753 पैक्सों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इस मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ था, जिसमें 1,346 पैक्सों में प्रबंध कार्यकारिणी के पदों के लिए वोट डाले गए। पहले दिन करीब 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई, जैसे रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड में फायरिंग और पूर्वी चंपारण में 2 पक्षों के बीच झड़प। इस दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बिहार विधानसभा में आज जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ तीखा विरोध जताया। वामदलों और राजद सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार सरकार से इस बिल को खारिज करने की मांग की। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद विपक्षी सदस्य इस मुद्दे को उठाने के लिए खड़े हुए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने इसे केंद्रीय मुद्दा बताते हुए सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार का विषय नहीं है और इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इधर बिहार सरकार ने चालू पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी है। बता दें कि राज्य के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में गन्ने के मूल्य का निर्धारण किया गया। इस मूल्य का निर्धारण जो है 3 प्रभेदों में किया गया है, जिसमें उन्नत किस्म की गन्ने की कीमत 365 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्म के गन्ने की कीमत जो है 345 रुपये प्रति क्विंटल और निम्न किस्म के गन्ने की कीमत 310 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। बिहार के अधिकांश चीनी मिलें उत्तरी क्षेत्र और विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण में स्थित हैं, और मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जाएगा। ये राशि मिलों द्वारा किसानों के बैंक खातों में जो है भेजी जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 470 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें से 361 उम्मीदवारों का चयन राजस्व सेवा, शिक्षा सेवा समेत अन्य सेवाओं के लिए किया गया है। इसके अलावा सीडीपीओ पद के लिए 10 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इस परीक्षा का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। आपको बता दें बीपीएससी के रिजल्ट में इस बार लड़कों का जलवा दिखा। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि टॉप 10 में 9 लड़के शामिल हैं। उज्ज्वल कुमार उपकार ने टॉप किया है, जबकि महिला कैटेगरी में क्रांति कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर टॉप 10 उम्मीदवारों की हम बात करें तो सर्वेश कुमार, शिवम तिवारी, पवन कुमार, विनीत आनंद, संदीप कुमार सिंह, राजन भारती, चंदन कुमार और नीरज कुमार शामिल हैं।
नालंदा जिले में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों में से 807 शिक्षकों ने काउंसलिंग के लिए पहुंची, जिनमें से 683 शिक्षकों ने प्रक्रिया पूरी की, जबकि 53 शिक्षकों की काउंसलिंग जो है तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई। 21 से 23 नवंबर के बीच जिले के जिला संसाधन केंद्र में काउंसलिंग और प्रमाण पत्र का सत्यापन की प्रक्रिया जो है चल रही थी, जिसमें 71 शिक्षक बिना किसी कारण की अनुपस्थित रहे। शिक्षा विभाग अब इन शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिन शिक्षकों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक बेतिया राज की विशाल 15,000 एकड़ जमीन को अपने अधिकार में ले लिया है, जिसका मूल्य 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आका गया है। ये जमीन बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैली हुई है, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और पटना सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों का भी समावेश है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक को इस संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जमीन पर लाखों लोग अवैध रूप से काबिज है और सरकार अब कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण में 9,758.58 एकड़ और पूर्वी चंपारण में 5,320.51 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। विशेष रूप से बेतिया और मोतिहारी में हजारों अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हज करने वाले सभी जायरीनों के लिए एक अहम खबर। 2025 की हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दूसरी किस्त की रकम की सूची जो है जारी कर दी है। इस बार जायरीनों को 1,42,000 रुपए जमा करने होंगे। ये रकम भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा की जा सकती है। दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले हज की पहली किस्त के रूप में 1,30,000 रुपए लिए गए थे। इसके साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मेहरम श्रेणी के महिलाओं के लिए ऑनलाइन हज आवेदन करने की घोषणा कर दी है। शरिया मेहरम द्वारा पहले हज के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं जिनका पासपोर्ट नहीं मिलने या अन्य कारणों से समय पर आवेदन नहीं हो पाया था, वे भी इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। बिहार में लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर अब सरकार ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के अनुसार 20 साल से पुराने लिफ्ट को बदलना अनिवार्य होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ेगा। जुर्माना 50,000 तक हो सकता है और गंभीर मामलों में 3 महीने की सजा भी हो सकती है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस नए कानून का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। वहीं नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि इस पहल से लिफ्ट एस्केलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इधर बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में शराब तस्करों ने पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। बता दें कि इमामगंज डुमरिया मोड़ पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान जब पुलिस ने शराब से भरी सिल्वर कार को रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने ट्रैफिक ट्रॉली और पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में पुलिसकर्मियों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने 19 वर्षीय तस्कर सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके कब्जे से 40 पेटी यानी कि 1,000 बोतल शराब बरामद किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 5,00,000 रुपए आके जा रही है। तस्कर ने अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी तलाश जारी है। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और सदन में आज एक दिलचस्प घटना देखने को मिला, जहां आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा में पहुंचे। उनके हाथों में एक तख्ती भी थी जिस पर लिखा था, बिहार में बाहर है गोलियों की बौछार है। इसके अलावा तख्ती पर यह भी लिखा था कि बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है और सुशासन का कोई पता नहीं। विधायक मुकेश रोशन ने इस प्रदर्शन के माध्यम से राज्य में मौजूद समस्याओं को उजागर किया। उनका कहना था कि राज्य में अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और वे खुद अंधे हो गए हैं, क्योंकि विकास की कोई झलक जो है नहीं दिख रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस बार केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपनी पार्टी का लक्ष्य साफ कर दिया। चिराग पासवान ने आगामी चुनाव को लेकर अपना स्पष्ट उद्देश्य बताया। उनका कहना है कि वे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ मुकाबला करेंगे। चिराग ने कहा कि सीटों का बंटवारा गठबंधन के भीतर तय होगा, लेकिन अब से पहले वे इस पर कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होंगी। उससे पहले मैं कतई साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितनी सीटों पर लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य है। प्रशांत किशोर ने बिहार उपचुनाव के परिणामों के बाद मीडिया से बात करते हुए राजद पर तीखा हमला किया। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी लड़ाई NDA यानी BJP और नीतीश कुमार से है, ना कि राजद से है। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में 176 सीटों पर NDA के प्रत्याशी आगे थे, जो विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति बना सकते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि NDA की ताकत BJP और नीतीश कुमार का दल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि नीतीश जी की ताकत नहीं है, लेकिन भाजपा का संगठन, उनके लोग, उनकी जातीय व्यवस्था अभी मजबूत है। भारतीय टीम के टॉप बल्लेबाज शुभमन गिल, जो अंगूठे की चोट से जूझ रहे हैं, 30 नवंबर से कैनबरा में शुरू होने वाले प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ होने वाले 2 दिवसीय पिंक बॉल वार्म अप मैच से बाहर हो गए हैं। पर्थ में प्रैक्टिस मैच के दौरान ये चोट गिल को लगी थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे 6 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले पिंक बॉल टेस्ट में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। BCCI के सूत्रों के मुताबिक गिल की चोट ठीक होने के बाद ही उनकी खेलने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार गिल को चोट से उबरने के लिए 10 से 14 दिन का आराम दिया गया है और अगर वे ठीक हो जाते हैं तो टेस्ट मैच से पहले उन्हें कुछ और अभ्यास की जरूरत होगी। अगर गिल समय पर फिट नहीं हो पाते हैं तो वे 2 से 3 टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो KL राहुल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है। पटना में पेट्रोल 88 पैसे महंगा होकर अब 106.11 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 83 पैसे बढ़कर 92.92 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वही गया में 106.25, गोपालगंज में 106.89, जहानाबाद में 105.94, खगड़िया में 105.68, मुजफ्फरपुर में 106.06, रोहतास में 106.45, सहरसा में 106.14, सिवान में 106.45, वैशाली में 105.81 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इसके अलावे अन्य जिलों में तेल जो है सस्ता है। अगर हम डीजल की बात करें तो पटना के अलावा गया में 93.5, गोपालगंज में 93.64, जहानाबाद में 92.75, खगड़िया में 92.49, मुजफ्फरपुर में 92.85, रोहतास में 93.23, सहरसा में 92.93, सिवान में 93.24 और वैशाली में 92.61 रुपये प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों में डीजल सस्ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, सरकार द्वारा लगाए गए कर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, वेद प्रकाश सिंह, छोटू रजा, जितेंद्र ठाकुर, परमिला कुमारी, राकेश मिश्रा, आर्यन सोनी, राजेश सहनी, नौसाद रजा, कामेश्वर सिंह, राजेश माझी, सानवी गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, राम बाबूदास, नारायण कुमार, विनीता कुमारी, अनवर करीम खान, नारायण कुमार, रवि कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, आयुष राज, मोनी सिंह, अर्जुन राम, निरंजन यादव, संजीव कुमार, खैरुन्निसा, सुकांत शंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।